हाँ तो भाई, जब मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी ने भाई जब से टेलीकॉम सेक्टर में घुस गए, टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से हिला डाला है। फिर उसके बाद में ये ओटीटी सेक्टर में घुस, वहाँ पे भाई उन्होंने पूरी तरह से तहलका मचा दिया। आईपीएल हमें फ्री में दिखाया भाई दुनिया भर के। भाई मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 10 से 15 दिन में जियो सिनेमा पर इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्टेंट आए, मैं आपको बता नहीं सकता। लेडी डैडी इतनी बढ़िया मूवी आई, असुर 2 उसमें हमें देखने को मिला, क्रैकडाउन सीजन 2 देखने को मिला, स्पेक्टर अविनाश देखने को मिला, रफू चक्कर, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट हमें वहाँ पर देखने को मिले। और भाई इसी बीच में इनका सब्सक्रिप्शन प्लान भी आ गया, तो भाई मैंने सोचा कि ना भाई सब्सक्रिप्शन प्लान लिया जाए। हालांकि भाई मेरे पास ऑलरेडी पहले वोट सेलेक्ट का सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने वो वहाँ से जियो सिनेमा प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर करना है, आई बटन जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या भाई जियो सिनेमा प्रीमियम लेने का कोई सेंस बनता है क्या, भाई 999 रुपये खर्च करना मोटा भाई की चीज़ में क्या आपके लिए वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। मेरे लिए तो वर्थ इट नहीं था, क्यों नहीं था, आपके लिए क्यों हो सकता है, सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूँ। तो भाई देखिए, पिछले 10 दिन से मैं यूज़ करता हुआ जियो सिनेमा प्रीमियम, ठीक है। और बात करते हो, देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन से पहले जो इंटरफेस में रहते हो, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में भी सेम इंटरफेस रहेगा, आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और भी सबसे बड़ा दिक्कत मुझे इसमें यही लगा कि आप जब प्रीमियम लेते हो तब पर भी एड बंद नहीं होता है, आप कुछ भी देखो आपको हर जगह एड दिखाया जाएगा। मतलब भाई क्या कोई सेंस बन रहा है इस चीज़ का? मोटा माने से तो भाई ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, भाई 999 रुपये आप पे कर रहे हो साल भर का, तब पर भाई यहाँ पे मैं एड दिखाया जा रहा है, एड मिनिमम तो नहीं दिखाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब तो यही लगा, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई भी घर का माल यानी हिंदी कंटेंट देखना, जो भी मैं आपको मैंने भी सीरीज़ गिनाई थी, सारी की सारी वो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, आपको कोई भी पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, 999 रुपये देने की ज़रूरत नहीं, वो फ्री का माल है। 999 रुपये में क्या मिलेगा आगे मैं आपको बताऊँगा, हालाँकि बट जितना भी चीज़ आपको मैंने बताया, जितना भी इंडिया का माल है, सबका सब सब कुछ फ्री है। तो भाई 999 रुपये आप पेमेंट करोगे, जैसे मैंने पेमेंट किया है, हालांकि आपको करना नहीं है, आगे डिसीजन आप ले सकते हो, बट भाई मैंने पेमेंट की। और भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा हॉलीवुड कंटेंट कम ही इंजॉय करता हूँ, मुझे इंडिया का माल ज़्यादा पसंद आता है, हॉलीवुड कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हैं, बट वो इंग्लिश में, इसके लिए मुझे थोड़ा कम मजा है। बट भाई ये सब जो मैंने सीरीज आपको बताया मैंने देखा, और भाई मैं कंटाल गया वेब सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही। जैसे एपिसोड, जैसे असुर 2 आया, फर्स्ट एपिसोड देखने से पहले 5 हेड आएगा, फिर बीच बीच में मतलब आपको स्टोरी ही आप भूल जाओगे कितना सारा उसमें एड आ जाता है। और भाई 999 रुपये दे रहे हैं, तो भाई इसको पूरे UI से, पूरी ऐप्स के अंदर से एड्स को हटा देना चाहिए। भाई प्रीमियम बंद है, 999 रुपये इसीलिए बंदा पे कर रहा है कि भाई यहाँ से एड हटा दिया जाए, बट भाई यहाँ से एड हटाया नहीं जा रहा है, तो भाई इसके लिए मेरे लिए वर्थ इट नहीं रहा है, मेन रीज़न यही है। हालांकि आप बोल रहे होंगे कि ऐप का इंटरफेस चेंज हुआ क्या, UI में थोड़ा सुधार आया, जो पहले कभी कभी बग आ जाता था, ग्लिच आ जाता था, अभी भी है, तो मेरे पहले भी ग्लिच बग नहीं आता था, अभी भी नहीं आ रहा है, सब कुछ सेम ही रहेगा। अगर आप में आता भी होगा तो धीरे धीरे अब सिस्टम में सुधार किया जा रहा है और आप में आना बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि भाई UI एकदम सुपीरियर ही हो जाएगा, प्रीमियम ले रहे हो तो भाई क्या ही कहना, आपको अलग से जियो सिनेमा का ऐप मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो नॉन से प्रीमियम यूज़र रहेंगे, जो प्रीमियम यूज़र रहेंगे, दोनों का UI सेम रहेगा, इंटरफेस सेम रहेगा, बग भी सेम ही रहेंगे, भाई बग क्या ही चेंज होने वाला है। तो भाई देखिए मेरे हिसाब से तो मेरे लिए वर्थ इट नहीं था, बट भाई अगर आप हॉलीवुड का जो है कंटेंट कंज्यूम करते हो, HBO Max का भाई गेम ऑफ थ्रोन्स, हालांकि मैंने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, ये हाँ जुगाड़ करके देखा था जब इसमें नहीं था तब, उस टाइम पर, क्योंकि देखिए मुझे जो इंग्लिश का कंटेंट ज़्यादा पसंद नहीं आता, इंग्लिश लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जो मुझे फील नहीं आता। अगर आपको इंग्लिश कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में पसंद आता तो भाई आपके लिए तो भाई क्या ही कहना, बहुत अच्छी बात है भाई। मोटा अंबानी ने जैसा जियो आपको दिया था ना, बस उसी तरह एक वरदान आपको और दे दिया है। भाई अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना हुआ, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है भाई, मेरी फेवरेट सीरीज़ है, अगर आपको देखना है इंग्लिश में आप देखते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हो, तो भाई ये देख सकते हो। हालांकि जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आप हॉलीवुड वाला कंटेंट का मजा, नहीं विदेशी माल का मजा लेना है तो आपको भाई 999 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, और देसी माल का मजा लेना है तो उसके लिए भाई फ्री सेवा है, यहाँ पे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप जिसकी बात कीजिए, अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना हुआ, हाउस ऑफ ड्रैगन देखना हुआ, लॉस्ट ऑफ अस देखना हुआ, या फिर भाई अभी रिसेंटली सक्सेशन बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, सीरीज है HBO का ये, बट भाई इसका क्रेज बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्टेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मैंने आपको सीरीज़ गिनी, और भाई इतनी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है भाई, HBO का पूरा कंटेंट इसके अंदर आ चुका है और बहुत अच्छे से कंटेंट आए, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पसंद आती है, इंग्लिश कंटेंट पसंद आता है, तो भाई आप
को भाई चांद ही चांद ही, आप नेटफ्लिक्स को भूल जाओगे ऐसा कहना तो अभी इस टाइम पे थोड़ा कम सही होगा, बट इंडियन यूजर्स के लिए ठीक है, भूल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सारा लगभग कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नेटफ्लिक्स भाई कितनी पुरानी है, जियो सिनेमा आज आया हुआ है, तो थोड़ा आपको उतना 19-20 का तो फ़र्क लगेगा ही लगेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट अगर आपको बॉलीवुड का माल पसंद नहीं आता है, आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आप नहीं देखना पसंद करते हो, मैं आपको साफ साफ ये सब्सक्रिप्शन लेने से मना करना चाहूँगा। मेरे लिए ये कोई वर्थ इट नहीं, क्योंकि मैं पता ही, मैंने आपको बताया रिसेंटली, पहले बता ही दिया था वीडियो में कि भाई मुझे इंग्लिश कंटेंट पसंद आता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में मैं नहीं देखता, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती। तो भाई अगर आप हॉलीवुड का कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में देखना पसंद नहीं करते हो, घर का माल देखना पसंद करते हो, देसी माल देखना पसंद करते हो, जो मैंने आपको सीरीज़ की नहीं असुर 2 पसंद करते हो, आप तो करते ही होगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, असुर 2 कौन पसंद नहीं करता होगा भाई, सबको पसंद करते, बहुत ही अच्छी सीरीज है। तो भाई अगर आपको घर का माल देखना है तो मैं आपको बोलूँगा भाई जियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो कोई लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई फ्री का माल मिल रहा है तो हम उसके लिए 999 रुपये क्यों ही पे करें। इंडियन यूजर से भाई हमको फ्री का माल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो भाई ये भी फ्री का माल अगर आपको पसंद आ रहा है तो फ्री का लीजिए, 999 रुपये खर्चा करने की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सुन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।